हाय एवरीवन, सो वेलकम टू स्पेक्ट्रम समरी। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 में, और हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश किस तरीके से बंगाल को जीतेंगे। तो चैप्टर 5 में इसको कंटिन्यू करते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। और इसमें इसमें जो है बंगाल के साथ साथ आ जाता है बैटल ऑफ प्लासी, ऑफ कोर्स बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, एंड जो टर्निंग पॉइंट है विच इज ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जहां से डुअल गवर्नमेंट चालू होता है। तो ये डिस्कशन हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन जो है। इसके पहले ऑलरेडी हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 5वें चैप्टर पर अभी हैं हम, विच इज अबाउट एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित करेगी। राइट, 1757 से अगर हम समझें एक बार क्विकली, अगर टाइमलाइन ड्रॉ करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि मॉडर्न इंडिया अगर हम 1707 से शुरू कर रहे हैं और अभी हम पार्ट वन पे हैं, लेट्स से 1857 तक की पहली कहानी पकड़ लें, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जा रहा है 1757। राइट, इसी पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज जीते, विच इज राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम लोग बात जो करने वाले हैं दैट इज अबाउट 1757 की प्लासी की बैटल। राइट, हम बात करने वाले हैं यहीं पर 64 में बक्सर की बैटल, और इमीडिएटली आफ्टर बक्सर यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो रही है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। तो ये 3 मेजर पॉइंट हमें यहाँ पे कवर करने हैं। बट उसके पहले हम बात करेंगे कि बंगाल है क्या, बंगाल इतना जरूरी क्यों है। राइट, है ना, क्यों राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से शुरू हो रहा है, और क्यों जो है माहौल बंगाल का हारना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कर्नाटक भी था बट बंगाल बंगाल है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो 1707 में हमने ऑलरेडी देखा था कि भाई इतनी बड़ी एम्पायर मुगल्स की एग्जिस्ट करती थी, बट 1750 तक आते आते ये छोटे छोटे स्टेट्स टूट के अलग हो चुके हैं। हमने जाना कि बंगाल इधर इस साइड अलग पड़ा हुआ है, बाकी नीचे स्टेट इधर हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है। राइट, तो मुगल्स की उतनी बड़ी पावर, उतना वर्चस्व एग्जिस्ट नहीं करता है। ये छोटे छोटे स्टेट, हमने कहा था कि फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का केस है। राइट, ये पूरा भारत फ्रैगमेंट हो गया है छोटे छोटे स्टेट्स में, है ना। अब इसी में हम बात करने जा रहे हैं कि बंगाल, इस बात का फायदा अंग्रेज कैसे उठाएंगे, 1757 में हम बंगाल किस तरह हारे, ये आज का मुद्दा है, ये आज की कहानी है। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम योर कोर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। राइट, और आप मेरे बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात करी कि हाँ बंगाल क्या था, हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, फिर पहुंचेंगे बैटल ऑफ बक्सर, फिर पहुंचेंगे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। राइट, तो ये ओवरऑल मुद्दा है। आपको ईयर्स नहीं रटे हैं अगर, तो रटने भी नहीं है, बट हाँ ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 64, 1765, तो ये बिल्कुल आसपास ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि बंगाल की अहमियत क्या है। राइट, ऐसा क्या है बंगाल में कि उसका हारना इज इंडिकेटर कि अब हम इंडिया हारेंगे, इज एन इंडिकेटर कि अब अंग्रेजों को बहुत सही जगह पे यू कैन से पैर रखने को मिल गया है। आप समझिए कि बंगाल की अगर हम बात करें, तो बंगाल को आगे जाके यहां का जो सूबा है, जो सूबेदार है, जो नवाब कह लीजिए, उसको बिहार और उड़ीसा भी दे दिया गया है, बिहार एंड उड़ीसा। तो एक्चुअली ये सिर्फ बंगाल नहीं है बल्कि इसमें बिहार और उड़ीसा भी है। राइट, प्लस ये समझिए कि आज से नहीं, ये एंशंट एरा से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोर्ट रहा है। राइट, एंशिएंट एरा से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोर्ट रहा है, जो कभी यू कैन से स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया से या उधर यूरोप साइड से, अरब से ये ट्रेडिंग करता था। यहाँ का कपड़ा वगैरह बहुत फेमस है, प्लस इसका हिंटरलैंड, ये जो एरिया है, ये जो गैंजेटिक प्लेन है, दिस इज वेरी वेरी फर्टाइल, तो यहाँ के प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन भी बहुत है, तो आर्टिजन्स भी हैं, और बेहतरीन प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, स्पेशली जो है कॉटन में सिल्क कह लेते हैं बंगाल में, कॉटन एंड सिल्क, इसके अलावा इंडिगो एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, तो हम ट्रेड कर रहे हैं यहां से, और ये बंगाल आप समझिए कि एज अ ट्रेडिंग पोर्ट बहुत बढ़िया फ्लरिश कर रहा है। प्लस इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, कि ये दिल्ली से दूर भी है, तो अगर कोई बाहर से लेट से अब्दाली का अटैक हो रहा है, पहले नादिरशाह का अटैक हुआ है, तो इन सारे अटैक से ये कंपैरेटिवली सेफ है, दूर है, कि भाई आप लोग झगड़ते रहिए, हम अपना जो है दूर कहीं बैठे हुए हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी भी है, फ्लरिश भी कर रहे हैं, ठीक चल रहा है इनका। राइट, ग्रोथ देखने को मिल रही है हमको बंगाल में। नाउ
नाउ तो बंगाल नवाब यहां पे अगर हम समझें तो बंगाल जो है फ्लरिश कर रहा है, इनफैक्ट उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही, 1750,000 हुआ करती थी, इस पॉइंट तक आते आते 1750 तक आते आते 100,000 लोग रह रहे हैं यहां पे, तो हर तरह से, और नवाब है भी भाई, इतना पैसा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ नवाब पावरफुल भी है, ये एरिया पावरफुल है, तो एवरीबडी वॉन्ट्स अ पीस ऑफ बंगाल, राइट, कि हमको भी यहां पे फैक्ट्री मिल जाए, हमको भी यहां पे ट्रेड करने को मिल जाए, हमको कोई फरमान मिल जाए कि हम भी यहां से यू नो आज जो है कम से कम सस्ते से सस्ते में ट्रेड कर सके, तो ऐसा हर कोई, हर प्राइवेट कंपनी यहां पे यही चाह रही, और इसीलिए बंगाल पे स्ट्रांग होल्ड क्रिएट करना, बंगाल को जीतना गेम चेंजर है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। चलिए समझे, तो हमने रिच प्रोविंस समझा, हमने समझा कि बहुत सारी चीजें ट्रेड हो रही है, हमने समझा कि हाँ अंग्रेजों के लिए जरूरी है। आप इस डेटा से मानिए कि 60% अंग्रेजों का जो 60% ट्रेड है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एशिया का 60% ट्रेड एक्चुअली बंगाल से हो रहा है। प्लस अब जब इतना इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली वहां पे अपने ऑफिस खोलने पड़ेंगे, तो ऑफिस भी खोल रहे हैं इनको, इनको इन्होंने तो बालासोर में है, तो इधर नीचे साइड आपको बालासोर में मिलेगी फैक्ट्री, बालासोर साइड फैक्ट्री मिलेगी, इधर कैलकटा भी है, इधर हुगली भी है ना, इधर ढाका भी होगा जो है बांग्लादेश साइड में, है ना, ढाका चिटागोंग अभी नहीं बैठा ढाका, तो ये सारे जो है स्पेसेस क्रिएट हो रहे हैं, ऑफिस भी है, कैलकटा भी एक प्रेसिडेंसी की तरह निकल आया बाय 1790 और 1700 तक आते आते ये प्रॉपर प्रेसिडेंसी बन जाएगा, फोर्ट विलियम बन जाएगा, राइट, इसके पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन चुका है, उसके पहले मद्रास प्रेसिडेंसी बन चुका है, तो मद्रास बॉम्बे और कैलकटा, तो कैलकटा तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अंग्रेजों के लिए, राइट, और ये है भी इंपॉर्टेंट है, डेट इज द रीजन यहां प्रेसिडेंसी क्रिएट भी करिए, इसीलिए वो लोग प्रिविलेजेस चाह रहे हैं, इसीलिए फरमान चाह रहे हैं, एंड चाह रहे हैं कि पॉलिसी ऐसी हो कि हमको बहुत टैक्स ना देना पड़े, तो इसीलिए इन्होंने मुगल्स से जाके परमिशन ले ली है, फरमान ले लिया है कि भाई हम 3,000 रुपया देंगे, और जबकि ट्रेड जो है वो 50,000 पाउंड का है, राइट, ट्रेड कहीं ज्यादा है बट उस पर ड्यूटी है तो बहुत कम देना, कम से कम ड्यूटी में काम करना चाहते हैं, तो कम से कम ड्यूटी में इन्होंने करा लिया है, डील करा लिया कि 3,000 रुपये ही देंगे बस हम, और जबकि ट्रेड कहीं ज्यादा है, उस हिसाब से पैसा कुछ भी नहीं दे रहे लोग, राइट, तो उनके लिए अगर आप समझिए उनके बिजनेस के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंट है, उनके प्रॉफिट के लिए खासा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रीजन कि बंगाल यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब दूसरी तरफ आप समझिए नवाब की साइड अगर समझिए, तो हाँ ये हमने समझा कि बंगाल रिच है, पैसे वाली जगह है, कोई भी लूटना चाहेगा। दूसरा हमने समझा कि ये अंग्रेजों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उनका स्किन इन द गेम कितना है, कितना वो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। तीसरी बात अगर समझिए तो यहाँ पे है कौन, इसको लीड कौन कर रहा है, जरा लीडर समझिए कि कौन लड़ेगा। तो यहां की अगर हम लीडरशिप देखें तो लीडरशिप समवेयर शुरू होती है 1700 से, 1700 में औरंगजेब ने प्लेस किया था मुर्शीद कुली खान को कि भाई तुम जाओ दीवान बन जाओ, तो दीवान की तरह भैया था, दीवान इज मोर लाइक एन ऑफिसर, नॉट द गवर्नर, नवाब नहीं है वो वहां का, बट हो कह रहा है कि अब क्योंकि दिल्ली से बहुत बढ़िया कंट्रोल है नहीं, तो वहां जाके वो नवाब हो गए, तो टेक्निकली मुर्शीद कुली खान MQK से चालू होती है नशीरी डायनेस्टी। फिर आगे जाके जो लेटर मुगल्स हैं, हम समझते हैं कि लेटर मुगल्स तो कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे, तो ये अपना नवाब ही हो गए, अब ये एरिया इन्हीं का हो गया, राइट, इनका करस्पॉन्डेंस है मुगल्स के साथ, है ना, थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी दे रहे होंगे, बट एक्चुअली ये वर्चुअली इंडिपेंडेंट टाइप के होते जा रहे हैं। 1627 में इनकी डेथ होगी, इनके जो है दामाद शुजाउद्दीन, क्यों, क्योंकि बेटा बहुत स्ट्रांग है नहीं, तो शुजाउद्दीन जो है नवाब बनेंगे, जब शुजाउद्दीन नहीं रहेंगे तो सरफराज खान आएंगे 1740 समय, बट 1740 बिकॉज सरफराज खान ही एक्चुअली इनके बेटे हैं और इतने लायक हैं नहीं। अब ऐसे में बिहार पे बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं कि बंगाल पे पहले मुर्शीद कुली खान, फिर शुजाउद्दीन और फिर जो है सरफराज खान, तो 1740 में सरफराज खान 1740, राइट, अब इसी समय बिहार पे बैठे हुए बिहार के डिप्टी गवर्नर है अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान कह रहे हैं भाई मेरा नंबर कब आएगा, वेट करे जा रहे हो, कह रहे यही तीनों लोग, यही सारे लोग जो है खेलते रह रहे। तो अलीवर्दी खान ने देखा कि भाई कमजोर नवाब है, अलीवर्दी खान ने असासिनेट किया जो है सरफराज खान को, एंड अलीवर्दी खान यहां से नवाब बन बैठे, तो 1740 में नवाब बन बैठे। हम कहानी क्या देख रहे हैं, हम एक्चुअली बिल्डअप करना चाहते हैं, समझिए 1757 की जो बैटल है बैटल ऑफ प्लासी, हम इसके लिए बिल्डअप कर रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई है एक तरफ से ब्रिटिशर से,
हमने ये एंगल सोचा है, ब्रिटिशर्स इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ से लड़ेंगे नवाब, नवाब ऑफ बंगाल ऑफ कोर्स, और जिनका नाम है सिराजुद्दौला। इन दोनों लोगों की लड़ाई है सिराजुद्दौला। तो हमने समझा कि बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने समझा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, आइए इनके बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। तो हमने समझा कि इनसे पहले 1700 से ही जो नवाब हुआ करते थे, फाइनली 1740 में वो ब्रेक होके अली वर्दी खान की एंट्री हुई है। वापस आइए, अली वर्दी खान की एंट्री हुई है। नाउ अली वर्दी खान जो है पहले तो देखो असैसिनेट करेंगे जब इसको, तो उधर से मुगल बोलेगा अरे मेरा राज्य है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो अली वर्दी खान कहेगा अच्छा 2 करोड़ रुपए ले लो, पैसा ले लो। तो ये कुछ पैसा दे देगा मुगल्स को, तो मुगल्स एक्नॉलेज कर देंगे कि हाँ ठीक है सर आप ही करिए, पैसा तो दे ही रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो ये कहेंगे आप ही कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से लेजिटिमेट भी हो गए, भले असैसिनेट करके आए हैं बट लेजिटिमेट हो चुके हैं कि कोई बात नहीं, मुगल जो है मुगल ने एक्नॉलेज कर दिया कि आप ही रहिए। अब अली वर्दी खान जब बने हैं, अब यहां से कहानी देखिए, अली वर्दी खान 1740। नाउ अली वर्दी खान डेफिनेटली जो है इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, राइट। यहां पे अगर आप समझिए तो अली वर्दी खान हु इज अ पर्सन जो यहां पे अच्छा संभाल सकते थे। इनफैक्ट ग्रोथ ऑफ बंगाल की जो हम बात कर रहे हैं तो इसी समय तक आते आते 1 लाख लोग यहां पे पॉपुलेशन हो चुके हैं, राइट। इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी थी, फ्लरिश कर रहा था, ग्रो कर रहा था, बहुत बढ़िया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि यहां तक आते आते अगेन कहां गया, हाँ यहां पे हम एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे, ग्रोथ ऑफ मराठास। तो मराठास ग्रो कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बंगाल पे भी रेड कर रहे हैं, बंगाल पे भी रेड हो रही है। तो मराठास की रेड एक्चुअली भारी पड़ेगी किस पे, अली वर्दी खान पे, अली वर्दी खान पे। वापस आइए, तो अली वर्दी खान, सॉरी तो अली वर्दी खान, तो वर्सेस मराठास होने की वजह से, मराठास के साथ बिजी होने की वजह से क्या अली वर्दी खान के पास मौका है अंग्रेजों से डील करने का? नहीं, इनफैक्ट उल्टा अंग्रेज कह रहे हैं, उल्टा अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई जो है यू नो हमें हमें खतरा है, मराठास आ जाएंगे, हमारा पैसा इतना इन्वेस्टेड है, हमारी फैक्ट्री सेफ नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें, सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। तो अली वर्दी खान यहां थोड़ा फंस गए, अली वर्दी खान अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजों को पसंद नहीं करते हैं, राइट। लेकिन यहां पे अली वर्दी खान फंस गए, नहीं नहीं फंसे हुए लग भी रहे कि क्या करना है क्या करना है। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, अंग्रेजों से कहेंगे चलो तुम अपना इंट्रेंचमेंट कर लो, राइट। परमिशन दे देंगे कि अपने फोर्ट विलियम कोलकाता में फोर्ट विलियम है टेक्निकली, राइट। तो फोर्ट विलियम के कहेंगे किनारे किनारे खुदाई कर लो, है ना, तुम्हें लग रहा है कि सेफ्टी की दिक्कत है तो खुदाई कर लो। तो ये सब भी परमिशन यहाँ पे दे देंगे, बट ही विल नेवर बी एबल टू एक्सपल ब्रिटिशर्स। वो चाहते हैं कि अंग्रेजों को निकाल दें, पर क्योंकि वो मराठास के लड़ने के साथ इतना बिजी हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या वो उसको हैंडल कर पाएंगे, क्या ये मौका उनको लगेगा कि उनको निकाल दे, नहीं निकाल नहीं पाएंगे, ये मौका नहीं आएगा। एंड फाइनली ही विल डाई इन 1756, राइट। 1756 में उनकी भी डेथ हो गई, सिराज की डेथ हो गई, सॉरी अली वर्दी खान की डेथ हो गई, और अब 1756 में एंट्री हुई सिराजुद्दौला की, राइट। तो जो हम टाइमलाइन कह रहे हैं सिराजुद्दौला 1756 में ही ये बने थे नवाब, 1756। क्विकली अगर पीछे देखें तो 1740 से अभी हमने प्रॉब्लम समझी किसकी, अली वर्दी खान की, अली वर्दी खान किसको मारकर आए थे, ये मारकर आए थे सरफराज खान को, सरफराज। उससे पहले छोटा सा रूल था, उसके पहले छोटा सा रूल था शुजाउद्दीन का, शुजाउद्दीन। और 1700 से कहानी चालू करी थी हमने मुर्शीद कुली खान से। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, मुर्शीद कुली खान। ऐसे टाइमलाइन बना लेंगे तो आपको आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, किसी भी चैप्टर में जहां पे आपके नोट्स हैं बस यही टाइमलाइन बनाओ, इसी पर लिखते चले जाओ, चीजें काफी आसान हो जाती हैं, राइट। तो हमने देखा कि मुर्शीद कुली खान के जो है दामाद शुजाउद्दीन, ही विल टेक ओवर, और फिर सरफराज खान को एक बार मौका मिलेगा। बट इन दोनों को मार दिया किसने, बिहार के डिप्टी गवर्नर अली वर्दी खान ने, ये बिहार के डिप्टी गवर्नर थे, और ये बन बैठे बंगाल के नवाब, राइट। 1756 में इनकी डेथ हुई और वहां पे नवाब बनते हैं उन जो है नेक्स्ट सिराजुद्दौला, राइट। सिराजुद्दौला एक्चुअली उनकी उनके नाती लगे, उनकी बेटी का बेटा है ये सिराजुद्दौला। अब जब सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला पे आते हैं, तो सिराजुद्दौला जब 1756 में नवाब बन रहे हैं, 1756 में जब ये नवाब बन रहे हैं, बाय द वे कोई ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार जब तुम पढ़ लोगे तो खाली क्रोनोलॉजी मैटर करेगी, अब स्टोरी में ईयर थोड़ा बताना जरूरी हो जाता है। तो 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब बन रहे हैं
तब इनके राइवल्स बहुत सारे, इनको चैलेंज करने वाले लोग बहुत सारे हैं, राइट। एक इनके कजिन है, कह रहे तुम बन सकते हो तो हम काहे नहीं बन सकते, राइट, हमको मौका दो। तो जाए शौकत जंग है, कह रहे हम भी बनेंगे पूर्णिया के नवाब है, राइट। फिर एक चाची है इनकी घसीटी बेगम, कह रहे तुमसे ज्यादा समझदार हम है, हमको मौका दो। ये छोटे से हैं, 20 साल के हैं ये, अभी 20 ईयर्स कुछ चल रहा है इनका, राइट, है ना, कह रहे हमको मौका दो। सिमिलरली इनका एक कमांडर है मीर जाफर, मीर जाफर। तो मीर जाफर एक्चुअली जीजा जी हैं अली वर्दी खान के, कह रहे हैं कि हाँ तुम्हें मौका दे सकते, मतलब फूफा लगे एक्चुअली मीर जाफर इनके, राइट, कह रहे तुमको मौका मिल सकता है, हमको मौका नहीं मिलेगा, ऐसे कह, फूफा नाराज हो जाते हैं ना जनरली, तो ये फूफा थोड़ा सा नाराज से हो गए, है ना। फूफा टेक्निकली तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ ठीक है, समझ ली, मान लो बस कि अली वर्दी खान के जो है बहन के हस्बैंड हैं जो है मीर जाफर, है ना, तो अली वर्दी खान के बच्चों के फूफा लगेंगे टेक्निकली, तो ना, तो मीर जाफर थोड़े नाराज है ना, कि हाँ फूफा जी नाराज हैं कि भाई हमको मौका क्यों नहीं दे रहे, हमें भी बनना चाहिए समथिंग। तो देर आर लॉट ऑफ कंटेस्टेंट, लॉट ऑफ कंटेंडर्स की जो है हमको भी मौका दो, हमें हमें नवाब बनना चाहिए, तुम में ऐसी क्या खास बात है, 20 साल का लड़का है अभी घर में, राइट। सिमिलरली जो है जो हिंदू पॉपुलेशन है वो भी समझ में नहीं आ रहा उसको कि हाँ ये क्या हो रहा है, कभी कोई बदल रहा है कभी कोई आ रहा है, समथिंग समझ में नहीं आ रहा। प्लस प्लस देर आर मोर नोबल्स इन द कोर्ट, जो लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारी पॉलिसीज या इनकी पॉलिसीज जो हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। तो उसमें कुछ नाम आते हैं जैसे जगत सेठ हैं, ओमनीचंद हैं, एक राय राय वल्लभ हैं, राय दुर्लभ हैं, राइट, है ना, ये सारे नाम आते हैं। तो ओवरऑल इंटरनली माहौल बहुत बढ़िया नहीं है इनके लिए। सिमिलरली एक्सटर्नली अगर हम देखें तो ये अंग्रेजों को भी पसंद नहीं करते, बाय द वे शौकत जंग को मार देंगे ये, बट फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई है। नाउ अंग्रेजों के साथ क्या दिक्कत हो रही है, अंग्रेजों को भी पसंद नहीं कर रहे, ये देख रहे हैं कि भाई यू नो अंग्रेजों का ये फोर्ट विलियम, ये रहा फोर्ट विलियम, राइट, ये कोलकाता में, तो कह रहे हैं ये कोलकाता में फोर्टिफिकेशन वगैरह चल रहा है, बहुत सारी दिक्कत है इनके साथ। नाउ यू यू सी कह रहे हैं कि नवाब नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश, मुर्शिदाबाद में बैठे हुए नवाब, और इधर कोलकाता में क्या चल रहा है, फोर्टिफिकेशन चल रहा है, फोर्टिफिकेशन हो रहा है कोलकाता में, फोर्टिफिकेशन चल रहा है कि क्या है भाई, अरे भाई आप एक प्राइवेट कंपनी है क्यों 45 45 वगैरह करते रहते हैं, डज नॉट मेक सेंस, कोई कोई राजा थोड़े हो आप, रूल थोड़े करने जा रहे हो, तो फोर्टिफिकेशन का कहां से जो है सेंस बना आप, तो फोर्टिफिकेशन इज नॉट समथिंग विच वी शुड अलाउ। सेकंड इशू, तो ये तो पहला इशू है फोर्टिफिकेशन। दूसरा मुद्दा क्या है, पहला मुद्दा समझा हमने, दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा मुद्दा है दस्तक, दस्तक का मिसयूज। दस्तक क्या है, पासेस, दस्तखत, पास करके ये दिखाना कि हाँ भाई जो है यू नो हमारे पास ये पास है और हम इस पर और ड्यूटी नहीं देंगे, हमने ऑलरेडी 3,000 रुपया दे दिया, हम और ड्यूटी नहीं देंगे। तो ये पास जो है इसका मिसयूज, मिसयूज कैसे होता है, ये जो बेसिकली प्रिविलेज दिया गया है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है, राइट, ये कंपनी के ऑफिशियल्स कुछ भी ट्रेड करेंगे उसके लिए नहीं दिया हुआ है, बात समझ आ रही है। जो प्राइवेट ट्रेड है कि हाँ मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूं, मैं अपनी भी एक छोटी सी फर्म चला रहा हूं, अपनी छोटी सी दुकान चला रहा हूं और उसमें ट्रेड करूंगा, उस चीज के लिए एक चीज नहीं दी हुई है, राइट। बट ये जो कंपनी के ऑफिसर है ये करप्ट है, ये क्या कर रहे हैं, वही दस्तक दिखा के वो भी घूम रहे हैं कि हाँ हाँ हम भी ट्रेड ड्यूटी नहीं देंगे, राइट, तो इस तरीके से वो भी एंट्री मार देते हैं, तो नाउ दिस इज मिसयूज, अब ये भी उनको बुरा लग रहा है, राइट। सिमिलरली इनका एक और दुश्मन है कृष्णदास, वो कुछ पैसा वैसा लेके भाग गया है, कृष्णदास कुछ राय दुर्लभ का बेटा है, कुछ पैसा वैसा लेके ट्रेजर वेजर लेके भाग गया है, तो कायदे से जो है सरकार के खिलाफ है, ये नवाब के खिलाफ है, अब ये भाग गया है और इनको इनको पनाह दे रहे हैं अंग्रेज, राइट। तो अब जो है यू नो यहाँ पे थोड़ा बात बन नहीं रही, दोनों के बीच में कहानी बन नहीं रही है, तो नाउ ये फेस ऑफ होना चाहिए। तो नवाब नवाब इनको बोलता है कि भाई अपने ये फोर्टिफिकेशन वगैरह बंद करिए, नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बोलते हैं कि भाई ये फोर्टिफिकेशन बंद करिए, फोर्टिफिकेशन बंद करने का देते ऑर्डर, बट अंग्रेज सुनते नहीं है, अनसुना कर देते हैं, राइट। तो अब नाराज हो जाते हैं, अब यहाँ नवाब थोड़ा सा नाराज हो गए कि हाँ बहुत हो गया, एंड नाउ नवाब जो है अटैक करते हैं कोलकाता पे, तो मुर्शिदाबाद समवेयर भी देखा और कोलकाता, नवाब अटैक कर देते हैं कोलकाता पे, इनकी फैक्ट्री सीज कर देते हैं, और सीज करके ये तो अपना वापस चले जाते हैं, वहां के जो लोकल लोकल ऑफिसर्स हैं
वो सारे लोगों को एक ही कोठरी में बंद कर देते हैं, राइट। अब है बड़ा गर्मी का जो है टाइम है, कुछ जून का टाइम है ये, राइट। अब इस जून में भरी गर्मी में ये सारे अंग्रेज हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, टेम्परेट रीजन से आए हुए हैं, गर्मी इनको बर्दाश्त होती नहीं है। तो अब जब आपने इनको बंद कर दिया है तो ये उस रात को गर्मी में 146 कुछ लोग बंद हुए थे, उसमें से मात्र 23 लोग बचेंगे, 123 लोग मारे जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा बड़ा कांड हो गया, राइट, है ना, कि आपने 125 लोगों को बिना बात, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लोग हैं, है ना, बात नहीं सुन रहे थे, इतना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ना। भले भले जो है नवाब ये कह सकते हैं कि भाई मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, है ना, ये सारी बातें वो कह सकते हैं, बट जिम्मेदारी तो उन्हीं की है भाई, अटैक उन्होंने किया था, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। तो ये पूरा बम फटता है किसके ऊपर, नवाब के ऊपर, कि भाई आपकी गलती है ये। नाउ अब हो कह रहा है कि नवाब यहां पे ये हो तो गया ब्लैक होल, बट तब तक, अब यहां पे ये सारा कांड हो रहा है कोलकाता मुर्शिदाबाद, राइट। अब यहां पे जो है बैठे हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि भाई ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, राइट, वी शुड डेफिनेटली जो है एंश्योर कि हाँ ये हमारा यहाँ पे फुटहोल्ड बना रहे, हमारी कमांड बनी रहे, वी शुड गो, है ना, चलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आर्मी लेके पहुंचेंगे कोलकाता। तो एक इधर से जाएगा पानी के रास्ते, एक जमीन के रास्ते, और हवा उस समय था नहीं, वरना कोई हवा के रास्ते भी जाता, राइट, बट फिलहाल इन दोनों रास्ते से जो अवेलेबल हैं, इन दोनों रास्तों से अटैक होगा। और यहाँ पर जो है नवाब को समझ में आ जाएगा कि इन लोगों से झगड़ा नहीं करना है। नवाब बैकआउट कर जाएंगे कि ठीक है भाई, मान लेते हैं गलती हो गई, इट्स ओके, राइट, चलो भैया करो जो करना है करो। तो नवाब यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए, बट रॉबर्ट क्लाइव थोड़े बैकफुट पे आ गए। रॉबर्ट क्लाइव अब क्या सोच रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव अब ये सोच रहे हैं कि यही मौका है, राइट, जो है उनको ऑलरेडी लग रहा है कि कमजोर हैं और यहाँ फायदा उठाया जा सकता है, और यहाँ अगर बंगाल में हमें इन्फ्लुएंस मिल गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिल गया, तो मजा ही आ जाएगा, आहा, ऐसा उनको फीलिंग आ रहा है। तो अब ये क्या रचते हैं, थोड़ा सा षड्यंत्र रचते हैं। ये उसी मीर जाफर को बुलाते हैं, है ना, फूफा जी जिनकी बात कर रहे थे ना, मीर जाफर, तो जफर है ना, मीर भूल जाते हैं, जाफर ध्यान रखते हैं, है ना, वरना कंफ्यूज होंगे, तो मीर नहीं, जफर को बुलाते हैं कि जफर भाई इधर आओ, कि जफर भाई हम आपके साथ जो है अलायंस करना चाहते हैं। और कहते हैं जफर, कहता है एक मिनट रुको, वो अपने दो चार साथी ऑल जाता है, ये दुर्लभ भी दुखी है, जगत सेठ भी दुखी है, है ना ये सारे लोग भी दुखी हैं, तो हम सारे मिलके जो है षड्यंत्र रचते हैं। तो जफर को बोलते हैं कि भाई ठीक है जफर, जो है तुम नवाब बनोगे, अगर तुमने हमारी मदद कर दी और ये इनको यहां से हटा देंगे तो नवाब तुम बनोगे। नाउ जफर इज लाइक वेरी हैप्पी, वाओ, है ना, इतना तो मैंने सपने में कभी सोचा नहीं कि मैं नवाब बनूंगा, राइट, है ना, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था मुझे, बट अब मुझे मौका मिल गया है नवाब बनने का, राइट। प्लस जफर इज एक्चुअली कमांडर ऑफ दी आर्मी, तो आर्मी पे जफर की अच्छी खासी होल्ड है, राइट। जफर को अपने साथ करना, ऑलरेडी जंग जीत चुके हो तुम, अब क्या ही लड़ना है इसमें, राइट। जफर अगर आपके साइड आ गया है तो गेम खत्म हो चुका है, तो जफर को अपनी साइड मिलाना रॉबर्ट क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक है। अब जफर एग्री भी कर गया कि नवाब बनूंगा, बहुत बढ़िया। और ये लड़ाई एक्चुअली काम की लड़ाई नहीं है, लोग मिलते हैं, प्लासी में मुलाकात होती है, तो दिस इज 1757, राइट, 1757 प्लासी में थोड़ी देर हुआ और फिर ऐसे हाथ मिलाने लगे, अरे सर आप ही कैसे हुआ, आप ही हैं, ऐसे होता ना, आपकी तारीफ, तो तारीफें होने लग गई यहाँ पे, है ना, तो ये तारीफें ही हो रही है कि झंडा फहर गया है, और जो है जो सिराजुद्दौला है उसको घर भेज दिया था कि यहाँ बहुत खतरा है, आप जाओ। तो सिराजुद्दौला जब तक युद्ध के मैदान में रहे हैं प्लासी में, दिस इज हैपनिंग एट प्लासी, राइट, है ना, ये षड्यंत्र करके, प्लासी बेसिकली एक आम का बगीचा है, राइट, तो जो है पलासी करके जो है जगह है, तो कहते हैं कि जब तक ये थोड़ी देर हुआ है खचर, जैसे ही जो सिराजुद्दौला है फील्ड से गए, इन लोगों ने ऐसे हाथ मिलाना चालू कर दिया, ऐसे गले मिलने लग गए कि हाँ ठीक है, हो गया, राइट। और उसके बाद जो जफर का बेटा है मीरान जो है जाके असासिनेट कर देगा सिराजुद्दौला को। तो नाउ जफर इज नवाब ओवर हियर। नाउ दिस इज लाइक जो है ग्रेट इवेंट 1757, अगर हम समझें तो 1757 एक जो इवेंट क्रिएट हो रही है पहली, और यहां पे जफर, जिसे टेक्निकली मीर जफर कहते हैं, तो जफर जो है यहां पे नवाब बन बैठे हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला गेम से बाहर हो गए, मारे भी गए, और मीर जाफर यहां पे नवाब बन बैठे हैं। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि एक्चुअली जो मीर जाफर नवाब हैं उसके ऊपर हाथ किसका है, रॉबर्ट क्लाइव का। गेम किसका था ये, रॉबर्ट क्लाइव का,
तो रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली पूरा गेम यहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो अब क्या हुआ कि जब मीर जाफर को यहां पे नवाब बनने का मौका मिलेगा तो ही भी लाइक पैरों में गिर जाएगा, कहेगा और बताओ सर आपके लिए क्या करूं मैं, राइट, क्या क्या कर दूं मैं। तो पैसे देगा, वॉर इंडेमनिटी देगा कि भाई आपका बहुत नुकसान हुआ होगा भाई, है ना, इतना षड्यंत्र करने में नुकसान तो होता ही है, तो नुकसान हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा पैसे दे देते हैं, राइट। तो पैसे दे देगा, कहते हैं कि जो है रॉबर्ट क्लाइव को भी 3-4 लाख रुपए उसने दे दिए कि हाँ ठीक है ये आपके लिए गिफ्ट है आप रखिए, राइट। प्लस जो है जमींदारी दे देगा, है ना, जमींदारी दे देगा कि हाँ 24 परगनास की जमींदारी आपकी हुई, इस एरिया पे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इसमें आपका भी शेयर है, तो जमींदारी भी दे दी है यहाँ पे। तो टेक्निकली अब जो है जो बंगाल का नवाब है वो अंग्रेजों के ऐसे हाथ में है, कठपुतली है वो, तो मीर जाफर इज नथिंग बट अ पपेट। ये बहुत बड़ी बात है। देखो ऐसा नहीं है कि बंगाल को हराने के बाद रॉबर्ट क्लाइव यहां के राजा बन गए, ऐसा नहीं हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव राजा बन गए, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहां पे बंगाल को हराने के बाद जो यहां पे नवाब है वो पूरा अपने कब्जे में, इससे जो कराना है करा लो, राइट, जो पैसा लेना ले लो, है ना। तो हम देखेंगे कि हाँ इसे जमींदारी ले ली, तो यहां से टेक्निकली जो है बड़े नेसेंट फॉर्म में, बड़े छोटे फॉर्म में ब्रिटिश एम्पायर का तुम कह सकते हो कि हाँ उद्भव शुरू हो चुका है, राइट। अब फ्रेंच यहां कुछ नहीं कर सकते, फ्रेंच और ऑस्ट्रेड दिमाग गेम से बाहर हो गए, है ना। अब यहां पे अगेन समझने वाली बात है कि यहां पे कोई ऐसा सरकार का बदलाव नहीं हो रहा, कुछ और ऐसा नहीं हो रहा, बट ये हो रहा है कि मीर जफर या जफर साहब जो हैं, जफर साहब पूरी तरीके से अब जो है डिपेंडेंट हैं रॉबर्ट क्लाइव पे कह लो या ईस्ट इंडिया कंपनी पे कह लो कि हाँ हम उसके कंट्रोल में। प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक रेजिडेंट भी बिठा देगी कोर्ट में कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, डट कुछ कोई भी चीज ऐसी नहीं हो, ऐसी ना हो जो हमारे हमारे हित में ना हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए कुछ भी, राइट। तो कायदे से बंगाल के कोर्ट पे अब हमारा अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है ना। तो ये हमने पहली बात करी, जो है बैटल ऑफ प्लासी हमने कर लिया, हमने जो है ब्रिटिश कॉन्केस्ट जो है बंगाल में क्या था बैकग्राउंड वो समझ लिया। तीसरी बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की, कि बक्सर में क्या हो रहा है। तो नाउ समझते हैं कि यहां से ये एक्चुअली कहानी कनेक्टेड है, इसे मैंने अलग नहीं पढ़ाया, बंगाल और बक्सर एक ही कहानी है, तो इसे अलग नहीं कर सकते, ये प्लासी और बक्सर जो है एक ही कहानी है। चलिए, तो अब जो ये जो बेसिकली जो है आपके मीर जफर हैं, तो मीर जफर साहब जो हैं, जफर साहब जो बेसिकली हैं, तो जफर को अब क्या लग रहा है कि यार मैं तो कठपुतली हूँ, और जब ये एहसास जफर को हुआ ना तो आत्मा कचोटने लगती है, ऐसा लगता है कि तो गलत हो गया, कैसा नवाब जो यू नो या कोई पावर ही नहीं, को अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब ये क्या करते हैं, अब ये षड्यंत्र करने लगते हैं। तो वहीं पे घूम रहे थे डच चिनसूरा में, पास में ही बंगाल, ये बंगाल में ही, तो बंगाल में चिनसूरा में डच हुआ करते थे, तो डच से मिले, डच से बोले कि हाँ जो है आओ षड्यंत्र रचते हैं और जो है तुम अंग्रेजों को बाहर कर दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पर डच की पावर इतनी नहीं है कि अंग्रेजों के खिलाफ वो कुछ कर सके उस समय, एट दैट पॉइंट। तो बैटल ऑफ बेदारा में डच हार जाएंगे 1759, राइट, है ना, 2 ही साल बाद। तो बैटल ऑफ बेदारा हो गए, डच गेम से बाहर हो गए, और यहाँ पे जफर का प्लान एक्सपोज हो गया। अंग्रेज भी सोच रहे हैं जफर अब थोड़ा सा हीरो बन रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा, जफर को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अब जफर इसके खिलाफ प्लान करने लगे, तो जफर का दामाद पकड़ा इन्होंने, जफर का दामाद है कासिम, इसीलिए मीर नहीं बोलता हूं मैं क्योंकि दोनों में मीर है, लेट्स अवॉइड मीर, जफर और कासिम की कहानी है। तो जफर हमने समझा कि हाँ जफर अब अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं, तो पकड़ के लाए कासिम को, कासिम जफर का ही दामाद, राइट। नाउ अब कासिम से बोला कि भाई आपको बना देंगे, राइट। अब उस समय रॉबर्ट क्लाइव जा चुके हैं और यहां पे हैं वेंसिटार्ट, नए गवर्नर हैं आपके वेंसिटार्ट, ये कासिम से मिलेंगे, है ना, बिल्कुल रॉबर्ट क्लाइव की ही स्ट्रैटेजी ऐसा ही है, तो कहेंगे कि आपको नवाब बना देंगे, सपोर्ट कर देंगे आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहां पे ट्रीटी हो जाएगी मीर कासिम के साथ, है ना, बैकग्राउंड में षड्यंत्र वाली ट्रीटी। कैसी जो है ट्रीटी है कि हाँ आप बर्दवान, मिदनापुर, चिटागोंग, मतलब जो है समझे, अगर ये लेट्स से कोलकाता है, कोलकाता तो इधर कहीं बर्दवान पड़ेगा, बर्दवान, इधर बांग्लादेश में चिटागोंग है, तो ये बेसिकली अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, चिटागोंग है ना, मिदनापुर पड़ेगा कहीं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। चलो, तो जो है फिलहाल, है ना, फिलहाल जो है खाली ध्यान रखो कि हाँ ये स्पेसेस हैं। तो हमने देखा कि भाई जो है मिदनापुर, चिटागोंग, बर्दवान, ये तीन जो है यू नो डिस्ट्रिक्ट उनको दे दी कि ये डिस्ट्रिक्ट, अब सोचो अब इतने बड़े स्टेट में 3 डिस्ट्रिक्ट आपने दे दी कि आज से ये आप देखिए, राइट, सबमिट कर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट सबमिट कर दी, आप देखिए इसको, राइट, है ना। क्या चूना का ट्रेड बहुत बढ़िया चल रहा है, चूने का ट्रेड, वो कान जब पान में लगाते हैं ना, तो कहते हैं सिलहट में चूने का ट्रेड बढ़िया है, उसमें 50% ट्रेड जो है अंग्रेजों का रहेगा, कहें हाँ ठीक है रहेगा, बना दो नवाब हमको,
राइट, कहते हैं कुछ जो पैसा वैसा है दोगे, कहें हाँ दे देंगे, 5 लाख रुपए देने की बात हो गई। प्लस ये डिस्कस हो गया कि भाई तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, हमारा दोस्त तुम्हारा दोस्त, राइट, कि अब हम जो है एकदम साथ साथ ही रहेंगे, एकदम दोस्त की तरह रहेंगे, दोस्तों के दोस्त की तरह रहेंगे। तो जफर को जबरदस्ती रिजाइन करवाया गया कि जफर इज रिजाइनिंग एंड नाउ कासिम एंट्री कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ कासिम एंटर्स द गेम, राइट, है ना। कासिम जो है अब यहां पे बनेंगे नवाब इन 1760, राइट, 1760 कासिम नवाब बन रहे हैं। नाउ अब कासिम ऐसा हमको लगा कि धोखा दे रहा है, राइट, बट कासिम इज अ स्मार्ट फेलो। इनफैक्ट कहते हैं कि अलवर्दी खान की फीलिंग आ गई जब कासिम आ गए, तो ऐसा लगा कि अलीवर्दी खान का ही पुनर्जन्म हो गया, राइट। तो नाउ व्हाट ही विल डू, पहले तो कहेगा कि ये बहुत सारे चेंजेस करेगा, जिसमें कहेगा मुर्शिदाबाद की कैपिटल ना कोलकाता के बड़ा पास पड़ जाती है ना, ये इतनी 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 नजदीकी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देगा मुंगेर इन बिहार, कहेगा थोड़ा दूर रहो तुम, है ना, मुंगेर शिफ्ट कर देगा। प्लस वो समझेगा कि भाई इनकी स्ट्रेंथ क्या है, जरा ऑब्जर्व करो, इनकी स्ट्रेंथ है कि इनके यूरोपियन ऑफिसर्स हैं, जो है मिलिट्री जो लाइनअप है वो यूरोपियन है, इनकी टेक्नोलॉजी आर्म्स वगैरह बढ़िया हैं, तो ये सारी चीज़ें वो फिक्स करने की कोशिश करेगा, अपनी ब्यूरोक्रेसी भी फिक्स करने की कोशिश करेगा। ऐसे ऑफिसर जो कल को जफर बन सकते हैं ऐसे ऑफिसर निकाल देगा, भरोसे के लोग होने चाहिए, तो पूरा सिस्टम क्लीन करने की कोशिश करेगा यहाँ पे कासिम। कासिम इस काइंड ऑफ कसम खा ली है उसने कि हाँ जो है हम सॉल्व करेंगे भाई इसको, राइट, अंग्रेजों को निकालेंगे यहाँ से। तो ये पूरा पूरा, अब देखो ऐसा नहीं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अभी शुरू हो गई है ना, वो अपने राज्य के लिए लड़ रहा है, अपने बंगाल के लिए लड़ रहा है ना, और इसमें कोई मुद्दा नहीं है ना। तो फिलहाल हम देखेंगे कि यस जो है ही विल एक्चुअली ओवरहॉल द आर्मी, आर्मी भी ओवरहॉल करेगा, आर्मी फिक्स करेगा, आर्म्स जो है का कंस्ट्रक्शन या आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिसर्स हायरिंग और मेरिट बेस्ड हायरिंग, ये नहीं कि चाचा का लड़का है तो जो है फूफा का लड़का है ऐसा करके हायरिंग नहीं, मेरिट बेस्ड हायरिंग, लॉयल लोगों की हायरिंग वो करेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल ही इज ओवरहॉलिंग एंड ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बट है ना कि जो है किस्मत को है मंजूर तो क्या कीजिए, तो किस्मत को कुछ और मंजूर है। तब वो कह रहा है कि नाउ कासिम इज ऑब्जर्विंग कि एक बिहार का डेप्टी गवर्नर है राम नारायण, ये मेरी सुन नहीं रहा है, अंग्रेजों से बड़ी बनती है राम नारायण की, ये सुनता नहीं है मेरी, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो एक तो ये पहला पॉइंट, जैसे वहां पे कृष्णदास की हम बात कर रहे थे, दूसरा मिसयूज ऑफ दस्तक, और मिसयूज ऑफ दस्तक ऑलरेडी हमने समझा था, मिसयूज ऑफ दस्तक कि भाई ये किस तरीके से जो है यू नो प्राइवेट ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस इसमें एक और चीज भी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि खुद तो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं एक बात, और साथ ही साथ इंडियन मर्चेंट से कह रहे हैं कि ये पास तुम भी खरीद लो, तुम भी यही दिखा के चले जाओ कि हाँ जो है हम ट्रेड दे चुके हैं, हम ड्यूटी दे चुके हैं, तो ये इंडियन मर्चेंट से भी यही करने को बोल रहे हैं, तो इंडियन मर्चेंट वो वाला पैसा भी चला जाएगा, वो भी टोल चला जाएगा, राइट। प्लस जो ईमानदारी से धंधा कर रहा है, ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, अब उसको महंगा पड़ रहा है, वो आपसे कंपीट नहीं कर सकता क्योंकि आपने ड्यूटी पे ही नहीं करी है, राइट, है ना। तो ये सारे सीरियस इश्यूज हो रहे हैं, तो दस्तक का मिसयूज और ज्यादा आगे बढ़ गया। अब ये दुखी आदमी की हाँ यार मेरा कितना नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, प्लस बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस इन बंगाल, उनका दबदबा है अब बंगाल में, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि सस्ते में माल खरीद रहे हैं जबरदस्ती, या नहीं देंगे 100 रुपए 50 रुपए तो दो सामान देना पड़ेगा, इसका 85 रुपए देंगे तुम्हें, ऐसा जबरदस्ती करेंगे सामान भी खरीद रहे हैं। तो अब मीर कासिम क्या करेगा, कहेगा ड्यूटी ये हटा दो, किसी के लिए ड्यूटी नहीं होगी, पूरी तरह से ड्यूटी हटा दो, ना तुम दो ना हम दें, खत्म ही कर देते हैं ड्यूटी, जब आ ही नहीं रहे ड्यूटी तो खत्म करो ड्यूटी, राइट, कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, तो ये ड्यूटी हटा देगा। अब जो है अब होगा कि जो है लगेगा कि भाई ये भी हाथ से निकल रहे हैं, अंग्रेजों को लड़ेगा ये लगेगा ये भी हाथ से निकल रहे हैं, तो वो रजिस्ट करेंगे और झगड़ा हो जाएगा, होंगी कुछ वॉर्स छोटी मोटी, मीर कासिम ऑफ कोर्स वॉर्स में हार गए, राइट, और अब उनको लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, मेरे अकेले से नहीं होगा, और वो भागते हुए पहुंचे अवध। अवध में बैठे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भारत के बादशाह मुगल एम्परर शाह आलम टू, ये लोग बैठे हुए थे वहीं बैठ के चाय पी रहे थे लोग अवध में। तो पहुंचे ही अवध, शुजाउद्दौला से मिले, शुजाउद्दौला से कहा कि भाई जो है ऐसा ऐसा हो गया है, बंगाल हाथ से निकलता जा रहा है, एम्परर बादशाह अकबर बादशाह शाह आलम से कहा कि आप तो बादशाह हैं, ये तो टेक्निकली आप ही का राज्य है, आपको तो कुछ जरूर करना चाहिए,
एंड दोनों को अलाइन किया कि हाँ जो भी पैसा ऐसा आएगा हम देंगे, टेरिटरी वगैरह तो दे देंगे समथिंग, है ना। तो मतलब ओवरऑल इट्स अ गुड गेम फॉर एवरीबडी, ऐसा करके गेम क्रिएट हुआ एंड दे ऑल एग्रीड एंड डिसाइडेड कि हाँ चलो लड़ते हैं। तो ये कॉन्फिडरेसी क्रिएट हुई जिसमें कासिम तो है ही ऑफकोर्स, शुजाउद्दौला ऑफ अवध है ना, लखनऊ के शुजाउद्दौला भी हैं, और प्लस बादशाह इंडिया के बादशाह मुगल एम्परर जो है हमारे शाह आलम टू साहब भी हैं। तो ये तीनों लोग एक तरफ और सामने से मेजर हेक्टर मुनरो। Now it was a very good battle because इन तीनों में और का पता नहीं, he is the strongest। कहते हैं कि शाह आलम टू तो पता भी नहीं चला युद्ध में थे कहां पे, राइट, कब आएंगे कब सपोर्ट करेंगे मालूम ही नहीं है। इट वॉज बेसिकली गेम ऑफ शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला बेहतरीन लड़ाई लड़ते हैं ऐसा लगता है, और आर्मी है भी स्ट्रॉन्ग, और ऑलमोस्ट ये जीत ही गए होते हैं, राइट, बट स्टिल लास्ट में इन द एंड मेजर हेक्टर मुनरो ही स्मार्ट है ना, एक बार हार के भागे लोग और फिर वापस आके अटैक कर दिया। और हेक्टर मुनरो जब वापस आके अटैक करते हैं तो ये पूरी आर्मी किनारे हो जाती है एंड ये लोग हार जाते हैं। तो बक्सर की जो है हार है 64 में जो हार है, राइट, अब ये काफ़ी भारी पड़ जाती है जो है हमको, इंडियंस को भारी पड़ जाती है, इंडियन रूलर्स को भारी पड़ जाती है टेक्निकली। तो ये हमने समझा, तो ये है आपकी 64 की लड़ाई, राइट, है ना, ये तीनों एक तरफ और मेजर हेक्टर मुनरो ने इन लोगों को हरा दिया। चलिए खैर, तो इसके साथ जो इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है, एक और चीज़ ये हो रही है कि उधर जो मीर जाफर है, मीर जाफर जफर साहब, पुराने वाले जफर साहब, इनको बना दिया ना नवाब। अच्छा हाँ, ये तो बताया नहीं, 1763 में जब ये झगड़ा हुआ कासिम के साथ, झगड़ा जब हुआ ना, वापस आते हैं, इसीलिए दोनों नाम बड़े कन्फ्यूजिंग है। हाँ, तो ये जब युद्ध हो रहा था कासिम के साथ तो इसको हटा दिया और जफर को वापस बिठा दिया, राइट। तो एक बार इसको समराइज करते हैं जरा। तो सबसे पहले हमने बात करी 1757, यहाँ पे हुआ करते थे जो बैटल थी, ये थी सिराजुद्दौला, सिराज वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, उधर से रॉबर्ट क्लाइव आएंगे, राइट। 1757 में ऑफ कोर्स सिराज हार गए और यहाँ पे नवाब बन बैठे जफर, मीर जाफर, इन्होंने षड्यंत्र करा 1759 में डच के साथ, और बैटल ऑफ बेदारा में डच भी हार गए, बेदारा वो भी किनारे हो गए। एंड इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 1760 में इनको हटा दिया गया, इसको आपके मीर जाफर को हटा दिया गया और बिठा दिया गया कासिम को, मीर कासिम। 3 साल में इनसे भी झगड़ा हो गया और 1763 में मीर कासिम से हो गई वॉर, तो इनको भी हटा दिया गया और जो जाफर जो थे उनको वापस बिठा दिया गया। जाफर इज बैक इन गेम, मीर जाफर। फिर हमने समझा कि यहीं पे अगली बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें एक्चुअली लड़ रहे हैं शुजाउद्दौला प्लस इसमें लड़ रहे हैं शाह आलम यानी बादशाह साहब, शाह आलम टू, और उधर से हेक्टर मुनरो ने इनको हरा दिया। तो ये लोग भी हार गए और इसी वजह से साइन करनी पड़ेगी, अब कोई रास्ता नहीं बचा। 1765 में they will have to sign treaty of Allahabad। Till this point, अगर हम समझे, अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि जफर और कासिम दोनों ही they wanted कि हमारे control में रहे, इतना ही कहानी हुई है अभी, right, है ना। अब तक जो था till 64 बक्सर की लड़ाई जब तक नहीं हुई है, तब तक ये लोग यही चाहते थे कि ये जो कासिम जाफर, कासिम और जाफर हैं, ये हमारे हिसाब से बिहेव करें, यही बात तो चाहते थे। तो अभी जब 1763 में जाफर को वापस लाए हैं, देन उनसे कहा कि भाई हमको ये मिदनापुर दे दो, बर्दवान दे दो, चिटागोंग दे दो, जो उससे बात हुई थी ना, जो है कासिम से जो बात हुई थी वही सारी चीज़ें। तो बेसिकली इनका भी फायदा उठाने की कोशिश करी इन्होंने कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हमको दे दो, हमको ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दो, कोई पैसा नहीं देंगे, खाली सॉल्ट के ऊपर 2% ड्यूटी दिया करेंगे। फिर मीर जाफर की भी डेथ हो गई, उनके बेटे आए नजमुद्दौला, इनको नवाब बना दिया गया,
राइट right. लेकिन अब यहां से नवाब की कोई वैल्यू है नहीं, नवाब की कोई पावर है नहीं, नवाब अब बेसिकली नाम का नवाब है, राइट right. नवाब नाम का है। तो फिलहाल समझते हैं, तो हमने ये कहानी अब तक 1765 तक समझी है। बात करते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। तो अब समझो कि भाई इस पॉइंट पे 1765 पे आपके आपके जो है बंगाल तो अपने हाथ में है ही, अवध भी हार गया है, अवध और प्लस मुगल हार गए, तो बहुत बड़ी बात हो गई है भाई। ये मुगल को हरा देना ये बहुत बड़ी बात हो गई। बंगाल बिहार उड़ीसा तो अपने अपने पास है ही है, अंग्रेजों के पास एक्चुअली, तो बंगाल बिहार उड़ीसा तो उनके पास है ही है, उस पर तो कमांड वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, यहाँ का नवाब तो उनकी जेब में है। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया, बैटल ऑफ बक्सर 1764, अब इसमें क्या हो गया कि भाई अब पूरी तरीके से बैटल ऑफ बक्सर 1764 मुगल्स और अवध भी हाथ से निकल गए, मुगल्स और अवध भी हाथ में आ गए। नाउ अब इन दोनों के साथ ट्रीटी होगी, तो अब क्योंकि ये जीत चुके हैं तो सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव राइट रॉबर्ट क्लाइव को सबसे पहले तो वापस बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि नहीं बहुत बढ़िया जीत हो गई है, समझ रहे हो ये जीत समझ रहे हो जिसमें तुम शाह आलम से जीत गए हो। शाह आलम से जीतने का मतलब कि वो मुगल एम्परर जिससे किसी जमाने में परमिशन ली जाती थी आज उसको हरा दिया है, राइट ये शाह आलम जिनसे कभी किसी जमाने में, या मुगल एम्परर जिनसे किसी जमाने में परमिशन लिया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, आज वो हार गया है आदमी। ये न्यूज इतनी बड़ी न्यूज है कि जो है यूरोप में डिस्कशन होने लगेगा, डिबेट होने लगेगा कि क्या बात कर रहे हो, शाह आलम हार गया है, राइट है ना, शाह आलम साहब हार गए, ओहो हो राइट। और जब जब यूरोप में ये डिबेट हो रहा है तो दे विल रियलाइज कि भाई ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, और ये इवेंट किसी और के हाथ में नहीं दे सकते, तो भाई भेजा गया रॉबर्ट क्लाइव को कि जाओ वापस जाओ, इतना बड़ा इवेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव शुड कम बैक एंड हैंडल द सिचुएशन एंड शुड साइन दिस ट्रीटी विद अवध एंड मुगल। ये जो ट्रीटी है उनको अवध और मुगल दोनों के साथ साइन करनी होगी, राइट right, अब आएंगे रॉबर्ट क्लाइव आएंगे कहेंगे ठीक है ट्रीटी साइन करेंगे। अवध से क्या कहेंगे, अवध से कहेंगे हमें आपकी दो दो शहर चाहिए, एक अलाहाबाद और एक कारा, अलाहाबाद और कारा आप सबमिट कर दीजिए, किसको सबमिट कर दीजिए, दोनों ही सबमिट कर दीजिए मुगल्स को यानी शाह आलम को। अब ये बात अजीब सी है, शाह आलम टू राइट है ना, कि दो शहर मांगे और बोला कि ये दोनों शहर मुगल को दे दीजिए, मुगल को दे दीजिए, शाह आलम टू को दे दीजिए प्लस, तो ये उन्होंने मांगा अलाहाबाद और कारा प्लस 50 लाख रुपए दे दिए प्लस बलवंत सिंह उनके सपोर्ट में था, कहते हैं इनको सपोर्ट कर दिए, कहें ठीक है ना, ये लास्ट वाला भूल भी जाओ चलेगा, ये दोनों ध्यान रखो अलाहाबाद और कारा और पैसे, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। शाहजा ने भी, जय शुजाउद्दौला ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, और बताओ। इन्होंने कहा कि आगे से कोई भी तुम्हारा दुश्मन होगा, एक और यहाँ पे डील हुई कि आगे से तुम्हारा कोई भी अगर एनिमी होगा तो वी विल प्रोवाइड पेड सर्विस, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ और उसके पैसे दे देना हमको। तो शुजाउद्दौला को भी लगा कि यहाँ क्या ही बुराई है यार, है ना, अगर कल को मराठा अटैक करते हैं तो वी हैव अ बैकअप, अंग्रेज हैं सपोर्ट करेंगे, पैसा लगेगा तो क्या हो गया, कम से कम राज्य तो बना रहेगा, राइट सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर रहे हैं टेक्निकली। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, है ना, तो इनफैक्ट ही इज हैप्पी, ही विल बिकम एन अलाई, ही विल बिकम एन अलाई कि हाँ भाई बहुत बढ़िया डील है, तो इसमें नुकसान ही क्या है। तो रॉबर्ट क्लाइव का इसीलिए मास्टर स्ट्रोक माना जाता है कि अवध को एक स्ट्रॉन्ग अलाई में क्रिएट कर दिया इन्होंने कि हाँ भाई आपकी मदद करेंगे, कोई ऐसे झगड़े की बात नहीं है, पैसे भी दे दिए अलाहाबाद और कारा भी दे दिया। फिर मुगल्स के साथ क्या डील करी आइए देखते हैं। मुगल से बोला, शाह आलम से बोला कि इसी अलाहाबाद पे आप बैठे रहेंगे, आप यहीं स्टे करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इट इज मोर लाइक अ हाउस अरेस्ट कि आपको वापस दिल्ली नहीं जाना है, आप यहीं अलाहाबाद में बैठिए, राइट है ना, तो मोर लाइक जो है मोर लाइक हाउस अरेस्ट कि आप यहीं रहेंगे कहीं नहीं जाने वाले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि दीवानी ऑफ बंगाल दे दिया इन्होंने, क्या कहा कि भाई बंगाल बिहार उड़ीसा का हमको दीवानी चाहिए, राइट हमको दीवानी राइट चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। इन्होंने कहा
कि किसी प्रोविंस पे दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन होता है दीवानी और एक फंक्शन, या कह दो कि एक होता है दीवान, राइट, और एक होता है निजामत, निजामत स्लैश फौजदारी कह लो, फौजदारी। दो तरह के फंक्शन होते हैं किसी भी स्टेट में। दीवानी जो फंक्शन है इज रिलेटेड टू, या दीवान जो पर्सन है इज रिलेटेड टू रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू या रेवेन्यू कलेक्शन कह लो, रेवेन्यू असेसमेंट कह लो, या टोटल रेवेन्यू कह लो, राइट। तो रेवेन्यू से रिलेटेड है कि हाँ भाई कितना लैंड रेवेन्यू आएगा, तो उससे रिलेटेड है आपका दीवानी। और निजामत जो फंक्शन है वो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर। तो इन्होंने कहा कि हमको हमको यहां का दीवानी राइट्स दे दीजिए, बदले में आपको हम 26 लाख रुपए देंगे, राइट, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। निजामत, निजामत कहा कि निजामत आप ही देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझिए। यहां पे कह रहे हैं कि भाई दीवानी और बंगाल बिहार एंड ओडिशा हमको दे दीजिए, राइट, और 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए आपको दिया करेंगे एवज में इसके, प्लस प्लस कहते हैं कि 53 लाख रुपए जो है कंपनी को मिलेगा, कि भाई हम बदले में आपको निजामत वापस दे रहे हैं, राइट, कि निजामत आपको वापस दे रहे हैं, 53 लाख रुपए कंपनी को मिलेगा। तो ये इस तरीके की यहाँ पे शाह आलम टू के साथ इन्होंने डील कर ली। ना इसका इसका इम्पैक्ट समझो जरा कि क्या, क्यों ऐसी बात कर रहा है कि अगर ये दीवानी राइट पा गया तो एक्चुअली टेरिटोरियल रेवेन्यू पा गया, टेरिटोरियल रेवेन्यू मिल जाएगा, प्लस कंट्रोल ऑन एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो कंट्रोल ऑन एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप चाहे इंडिगो उगाओ, चाहे जो है यू नो कॉटन उगाओ, जो भी करना आपको करिए, राइट, है ना। तो अब आपके, अब आपका कंट्रोल काफी ज्यादा है, काफी डीप कंट्रोल है, प्लस रेवेन्यू भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, दीवानी राइट्स मिल रहे हैं तो पैसा भी आएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, लैंड रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट करने लगेंगे, है ना। तो दीवानी राइट होने का अपना ही फायदा है। तो दीवानी राइट मांगा है टेक्निकली इन्होंने, सो नाउ दे आर एक्चुअली एंटरिंग इन टू दी एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, राइट। टेक्निकली फिर से इस बात को समझो, ये जो यहाँ पे बंगाल से ले रहे हैं, बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी ले लिया इन्होंने, किससे, शाह आलम से, शाह आलम से। और निजामत जो फंक्शन है, निजामत बंगाल की, वो नवाब से ले लिया। तो टेक्निकली टेक्निकली कंट्रोल अब इन्हीं के पास है, दोनों तरीके से कंट्रोल इनके पास है, और नवाब अभी भी बैठा हुआ है। नीचे का दोनों फंक्शन जा चुका है, बट नवाब अभी भी बैठा हुआ है। तो एक्चुअली नवाब सिर्फ नाम के लिए बैठा हुआ है, नॉमिनल है। दिस इज कॉल्ड एज डुअल कंट्रोल या डुअल गवर्नमेंट। तो ये क्या क्रिएट हो गया है, डुअल गवर्नमेंट क्रिएट हो गया है, कि भाई नाम के लिए नवाब भी है, नजमुद्दौला बैठे हैं अभी के लिए, और बाकी जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ दीवानी एंड निजामत, ये फंक्शन किसके पास जा चुका है, ये फंक्शन ब्रिटेन के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा चुका है, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास निजामत एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए निजामत को हैंडल करने के लिए एक नायब सूबेदार का अपॉइंटमेंट होता है, ये कौन करेगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बात समझ आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी यहां पे। तो अब ये जो होल्ड है ना, अभी इन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल लिया नहीं है, अभी जो है अभी भी नवाब को बिठा के रखा हुआ है, और 65 से 72, 1765 से 72 अभी यही चलने वाला है, ये डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चलने वाला है। अब इसमें क्या होगा कि जब आपके पास दीवानी राइट है, टेरिटोरियल राइट है, पैसा इकट्ठा करने का हक है, तो आप ना लूटना चालू कर देंगे, दबाना चालू कर देंगे किसानों को, वहां के आर्टिजन्स को, और ये ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन का गेम क्रिएट हो जाएगा, इसी में बहुत सूखा उखा भी पड़ेगा, फैमिन। तो ये काफी डिवास्टेटिंग है फॉर जो है बंगाल, राइट, बंगाल में ये काफी जो है दुख का माहौल क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस होल गेम, राइट। तो ये हमने बात करी कॉन्केस्ट ऑफ बंगाल की, राइट, हमने डिस्कशन किया डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765-72। फाइनली ये सिस्टम बंद करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे 1772 में, एंड ही विल क्लोज द सिस्टम, कहेंगे भाई ऐसे नहीं चलेगा, राइट, इसको बंद करते हैं, है ना। तो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे बंद करके ही विल टेक कंट्रोल इन हिज हैंड, कि यहाँ से राज्य मैं चलाऊंगा, यहाँ से जो गवर्नमेंट है वो मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में रहेगी।
चलिए, तो जो है हमने बात करी रॉबर्ट क्लाइव एस्टिमेट, पढ़िएगा आप, राइट। जो है कभी मौका लगेगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। एंड ये हमने चारों टॉपिक खत्म कर लिए, हमने बात करी बंगाल ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, हमने बात करी बैटल ऑफ प्लासी, हमने बात करी बैटल ऑफ बक्सर, एंड हमने बात करी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट वीडियो, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। मैसूर का डिस्कशन उठाते हैं नेक्स्ट, राइट, बात करते हैं मैसूर के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।